अस्सलामुअलैकुम गाइज, आज फिर असी मंडी जा रहे हैं ते मंडी दे हिसाब किताब का पता चलिया है कि अज रेट बहुत ज़्यादा ने सब्जियां दे। दोस्त कह रहे थे कि सब्जी प्याज बहुत महंगा हो गया सैलाब की वजह तो, ते मैं क्या चलो अज हफ्ता हैगा है ते बच्चे नू नाल लै के चलने, चलो जिहड़ी जिहड़ी कोई चीज़ मुनासिब रेट ते मिलेगी वो लै के आ जाएंगे। तो हमारी साड़ी कोशिश यही होंगी है कि चलो हफ्ते का इकट्ठा ही सौदा आ जाए, फिर परेशानी नहीं होती। तो दुकान दे विच ही असीं बैठे हैं। मेरा बेटा तैयब है, देखो कहिंदा जी पापा मुझे चीज़ दे पैसे दे दो तो मैं चीज़ ही लै खा लाँगा। तो कुल्फी खा रहा तैयब, सलाम करो। नहीं ऐसे कहते बेटा, अस्सलामुअलैकुम। ये हमजा है, हमजा को हमने बोला है कि आप ना ऐसा करें, आप दुकान पर बैठे और मैं और तलहा मंडी से होके आते हैं ना, ठीक है ना। तो तैयब हमजा, तलहा बेटा सलाम करें। अस्सलामुअलैकुम। तैयब बेटा आप भी सलाम करें। हमजा आप भी अस्सलामुअलैकुम। बाकी जो मंडी में सब्जी सब्जी देखेंगे ना तो उसके मुताबिक आपको बताएंगे कि आज मंडी में रेट क्या जा रहा है। सैलाब की वजह से ना सब्जियों का बहुत ज़्यादा रेट हो गया है। तो हम जा रहे हैं अब मंडी, तो जब मंडी पहुँचेंगे ना फिर हम उधर बना के ना आपको दिखाएंगे। ये देखें बाहर का व्यू, ये हमारे मोहल्ले का लड़का है शामी, इसको कहते हैं शामी मोटा। ये देखें इधर देखें शामी है, देखिए हंसरा है। ये असी मंडी जाते हैं ना, रस्ते दे विच आंदा वे असल पहलवानी सरदाई वाला। तो ये कोल असी रूटीन नाल जो इस साइड तो आई दे ना स्टेशन के नज़दीक बैठा है, तो ये कोल सरदाई पी के जाइएगा। तो बड़ी मज़ेदार सरदाई है, यह नाल ही स्टेशन हैगा। तुहानू मैं स्टेशन का व्यू दिखाना, देखो यह नाल ही स्टेशन है, यह स्टेशन का रस्ता है। तो यह देख, मेरा बेटा कह रहा सी कि मैं ना सरदाई पीनी है। हाँ तलहा ठीक है, यह देखो दो गिलास ही लिले ने, दो सरदाई के गिलास ने। यह 30 रुपए वाला गिलास है, ये तो व्डा जोड़ा ना 50 रुपए वाला गिलास है। तो माशाल्लाह ना बहुत अच्छी सरदाई इन्हों की बनती है, जिहड़ी असी जदों दो चक्कर लगन तीन चक्कर लगन मैं इन्हों की सरदाई ना पी के ही जाना। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा जायका है इन्हों का। भाई थोड़ा जिहा तुहानू अपना तारफ कराणगे, मैं भाई नूं पुछिया वे सरदाई पीने, तो भाई कह रहे कि सानू 17 साल हो गए ने। तो माशाल्लाह देखो 17 साल हो गए ने, इन्हों का म्यार तो जायके दे विच कदे फर्क नहीं आया। उहदी वजह कि म्यार अच्छा है, जायका अच्छा है, जिहदी वजह तो इन्हां कोल रश रहिंदा है। तो भाई थोड़ा जिहा दसना जरा, तुहाडे वड्डे भाई कम करदे सी कि वाल साहब? अच्छा वाल साहब कम करदे, ते वाल साहब तो बाद कोई बेटे कम करदे, वाल साहब है ने घर रहिंदे ने? सही हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं दो चक्कर लगन तीन चक्कर लगन इस रस्ते, तो मैं सरदाई लाजमी पी के जाना पूरी गर्मियाँ, मेरी रूटीन है। क्योंकि इन्हों का जायका बहुत अच्छा है, तो सामने भी एक सरदाई वाला बैठा है, बाकी वह म्यार नहीं है जो इन का म्यार है ना। टैलीफोन का दफ्तर है तो वो नज़दीक बैठे ने, तो बड़ा इन्हों का म्यार है, तो जायका है। अगर तुहाडा कितें इधर चक्कर लगे तो लाजमी सरदाई इनू पी के चैक करो, तुहानू भी मज़ा आएगा सरदाई का। 30 रुपए का गिलास है तो 50 रुपए का गिलास है, सस्ता ही काम है, माड़े गरीब अमीर सारे पी सकते। मंडी जाते ना रस्ते दे विच कज़न की दुकान आती सी, तो मैं क्या चलो इधर भी चक्कर ला लीए, तो ये वेले मक्खियां मारन दे ने, कहिंदे ने काम ही कोई नहीं है। कह देखो वो भी फारक बैठा जे ना दुकान खोल रही है, दरअसल काम इन्हों का माशाल्लाह ठीक है। तो अजे जेडे बच्चे बुच्चे ना मुलाजम रखे ने ना वड्डे मुंडे, कोई नहीं अजिहा देखो ना अजे दुकान खोलन दे। अगर किसी सोफे की या फर्नीचर की जरूरत हो रहा कर सकता है जो मर्जी, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छे सोफे और फर्नीचर बनाते हैं। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਿਊ ਮਦੀਨਾ ਫਰਨੀਚਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਫਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋਫੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ, ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ कल या परसों मैं फिर चक्कर लगावगा, तो फिर इन्होंने जिन्हें सोफिया की डिजाइनिंग है ना मैं उन्होंने एक ब्लॉग बना के तुम सेंड कराँगा। ये मेरे ना चाचे के बेटे ने, एक दी सोफिया की दुकान हैगी है स्टे कंपनी बाग के नज़दीक, एक दी हैगी अगले रोड से, तो
तो माशाल्लाह दोनों का काम बहुत अच्छा है। देखो नाल भाई है तो कहना मेरे वाल भी कैमरा लगाओ, मजीद अगले चक्कर ना इन्हों की भी वीडियो बनावांगे। देखो जी असं मंडी आ गए हैं, तो मंडी कोई रश नहीं है इन्ना ज़्यादा, सिर्फ की वजह है कि सब्जियों के रेट बहुत ज़्यादा ने, रेट बदलने की वजह की है सलाब, ये सलाब की वजह तो रेट बहुत ज़्यादा हो गए। तो असी ना लै रहे हैं अदरक तो टमाटर तो मिर्चा, मैं भाई को असी अदरक मिर्चा टमाटर ले हैं, तो अरबी जड़ी है ना दूसरे दोस्त को लाँगे। तो यह मेरा भरा है, इन्हें पालक लाई है, ये पहले सब्जी लाता हूँ देख बैठा सीधा हो गया बह यार की हो गया तेन है, ये मेरे भरा ने ना हूँ प्याज आलू रख ले, कहता यार दूसरी सब्जी महंगी बड़ी है, तो मैं ए दोस्त दूसरा इन्हें पालक रखी ठीक है ना। हाँ जी, तो प्याज का भी बड़ा रेट हो गया सिर्फ सलाब की वजह तो, सलाब इन्ना ज़्यादा है तो सलाब की वजह तो सब्जियाँ भी नहीं आ रही, तो मसले मसायल बहुत ज़्यादा इस वजह से। हाँ जी, बाकी इंशाल्लाह ताला अभी कोई होर जो चीज़ा लैने तो वो बारे भी तुम दस दें। भाई को ना असी अरबी लीती है, तो बाकी भिंडियां भी मैं लैके गया सा, तो करेले तो घर बच्चे खाते नहीं, तो कद्दू भी तुम पता है कल पकाए ने, तो हूँ मैं बेगम मेरी कहती सी कि अरबी लै आना, तो मैं फिर अरबी लीती है, बाकी आलू प्याज भी उस दिन लै गए सर, तो अरबी भी मैं किलो लीती है, सौ रुपये किलो अरबी है, तो बेंगन भी घर पे सी। कल फिर आवेंगे, कल या परसों आवेंगे, क्योंकि अज चिकन कह रहे ने बच्चे कि चिकन पकाना, तो मैं कि चलो आए हैं मंडी अदरक मिर्चा टमाटर लैन, तो चलो अरबी भी लै जाए, बाकी मजीद साढ़े ना रहना अगे अगे जो करा मजीद वो बारे भी तुम दस दे रहा मेहरबानी। ना शरबत वाला है तो बच्चा अपना जरा तला है ना कहता कि मैं गिलास शरबत का पी, तो मैं चलो ये भी थोड़े ना थोड़ा जहा शेयर कर दीए, तो भाई है जरा प्यारा जहा गिलास बना के ना बच्चे देना ठीक है ना। अजय मैं है दुकानदारी इन्हें शुरू की है, देखो बर्फ तोड़ रहा है, तो बाकी जिमें बनाता है फिर तुम दिखाने मकसद के जायका बच्चे पूछा कि जायका। देखो ना बना रहा गिलास, तो तलहा ने वाइट पसंद किया, वाइट पसंद किया तलहा ज़्यादा ना इतने आन के जो भी आता ना मंडी, तो लाजमी इन्हें पीना होंगे तलहा ने, तो हमजा तो अज हमजा नहीं आया, अच्छ सिर्फ तलहा ही आया, तो भाई जरा बना के ना तो गिलास जरा सामने करो ठीक है ना। अजय ना दरअसल भाई ने काम शुरू किया है, देखो गैस भी छड़न लगे ने, अजे प्रैशर नहीं बने, देखो ना प्रैशर बना रहे, जिमें प्रैशर बनना है तो फिर इन्हें चल जाए। देखो भाई अगे करना जरा तलहा, देखो ये बड़ा जायका है जी, यदा यह है गर्मी का सौन भादरों का तोड़, चलो पियो मेरा बेटा पियो पियो। है जी चिकन ले लिया किलो, अज चिकन की रैसपी बनेगी, आ देखो तो बच्चे ना ज़्यादा हड्डी वाला ही खाते ने, गोल बोटी नहीं खाते, तो आ जरा भाई है ना बड़ा अच्छा गोश्त बनाता है, मंडी के नज़दीक बैंदा है बैठा है, ज़्यादातर गोश्त ये कोई लैके जाइए, बहुत साफ करके तो रेट भी मुनासिब होंगे ने, ये तो अच्छा गोश्त देता, कोई नहीं है कि फिर गाहक की मर्जी का गोश्त ना देना होंगे, कोई पाँच दस रुपये ज़्यादा भी लगा लें तो कोई परेशानी नहीं होती, कोई गोश्त साफ हो। बाकी इंशाल्लाह ताला धन्यवाद, मैं चिकन की रैसपी ना बना के दिखावा। अज बहुत वड्डा नुकसान हो जाने लगा सी, चैन ना टुट चला सी, चैन उतर गया, तो मैं फिर चैन जरा ना खुशक चल रहा सी, देखो मोटरसाइकिल की हालत, तो मैं चलो यदा चैन जरा ना इन खसवा लीए फिर दूर दवा लीए परेशानी ना बनती, तो जो बच्चे नाल होंगे ना फिर बड़ी परेशानी बनती है, आ दोस्त चैन खा सकते ठीक है, तो खसवा के सब्जियां असी लीलिया ने, फल असी लैना अजय कचहरी के फल से आ गए, अगर फल लैके फिर अभी घर जावे, घर जाके फिर चिकन की रैसपी बनावे, देखो जरा तो चैन जिमें कसया जाता तो फिर सारा अच्छा जी। केले ले ने काफ़ी चीज़ा देखिया ने, कोई पसंद नहीं आई, तो केले ले ने भरा है साढ़ा, तो बड़े मुनासिब रेट से देखो ना 80 रुपये दर्जन इन्हें लाए ने, तो केले सोहने ने, तो मैं क्या चलो बच्चों वास्ते केले ले लें,
अगे कोई चीज नजर आई ना कोई से या कोई अच्छी चीज जो भी ले लांगे तको इतने भाई को नहीं गा तो उन्होंने पैसे देते ने हम बकाया देन लगा है तकरीबन कोई ढाई तीन दर्जन लीले ने ठीक है ना बाकी अगे कोई देख रहे कोई चीज़ नज़र आई तो वो तेरे ना शेयर कर मैं ना मेरा दोस्त हैगा अवैस भट्ट तो रस्ते च मिलया तो रक्षा चला माशाला बड़ा मेहनती हैगा तो मैं उन्होंने आवाज़ दी है कि मैं भट्ट साहब किधर जा रहे जे कहते हूँ घर जा रहे हैं मंडियों तो चावलों चूवलों का भी काम करता है तो मैं चावलों का भी इनू किया है तो कहता चलो मैं चलो एक तोड़ा ना मंगवा लीए चावलों का तुम्हें पता चावल बहुत महंगे हुए तो अल्लाह इनू होर तरक्की दे कामयाब करे बाकी घर जाके बाकी चीज़ा शेयर कर बच्चे कह रहे थे कि चने खाने ने तो चने तो मिले कोई नहीं तो हलीम मिली है जरा हलीम उपर रखो जरा तो वो हलीम मिली है तो मैं क्या चलो हलीम ही दे दो फिर तलहा बड़ा जिद कर रहा कि हलीम खा तो भाई नान भी कर देना छे नान बड़े ने तलहा छे नान कर दे बस ये बच्चों का सुबह का नाश्ता हो जाएगा बाकी इंशाल्लाह तुम चल रहा है भाई को से ने बड़े प्यारे से ने क्या लिखे ने दो किलो तो बच्चे क्या कि जरा साफ साफ जो चने दे देना सेब दे देना सोहने सोहने से उन्हें पाए सारे प्यारे प्यारे केले असी पिछू लीले ने बाकी इन्हें अंब भी लगाए ने मसमिया भी ने माड़े सेब भी ने प्यारे प्यारे जरा सोहने सोहने से बाकी जी जी चीज़ लिखी है घर जाके तुम सारे बधाव चने लैन देना मेरा दोस्त है यदा नाम है बाबा अकबर वो भी दोस्त आ गया तो बाबा चने लैन आया जी चलो लवो लवो चने तो फिर चलीए अज साडा प्रोग्राम लाहौर का है वे मैं तो मेरे दोस्त बाबे अकबर ने अज लाहौर जाना है तो बाकी जरा प्रोग्राम है पिछला दुकान का वो बच्चे बैठे हैं हमजा और तलहा दुकान पर बैठेंगे ठीक है ना इंशाल्लाह ताला जब हम लाहौर जाने लगेंगे उसकी भी हम वीडियो बनाएंगे और लाहौर में जो जो काम करेंगे उसकी भी वीडियो बना के आएंगे। ये देखें गाइस हम जो शॉपिंग करके आए हैं इसमें ये आज जो चिकन की रेसिपी बननी है वो लेके आए हैं और बच्चे जिद कर रहे थे कि पापा कोई फल लेके आना है असी केले सेब उस तो बाद मंडी गए हैं तो मंडियों असी अरबी मिर्चां टमाटर अदरक तो तलहा कह रहा सी पापा मैं नाश्ता करना तो चने वाल गए हैं तो चने बड़े मशहूर ने वो ख़त्म हो गए सी तो फिर कहें हलीम है वे हलीम तो नाल नान लैके आए हैं मरियम इधर आओ जरा ये देखें मरियम जरा बताएं चैनल के बारे में बताएं और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं आ जाएं जल्दी जल्दी आ जाएं गाइस हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ये थोड़ा सा सौदा आया है तो तकरीबन इसमें भी 2000 रुपया खर्चा आ गया है उधर सामने आ जाएं हाँ जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों क्या चल है उम्मीद करते हैं आप सब लोग यूट्यूब फैमिली ठीक होंगे जो देश में हैं जो प्रदेश में अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे आज सामान मंगवाया है हमजा के पापा ने कहीं जाना था तो हमने कहा हमें ना आप थोड़ा सा चीज़ें ला दे घर की तो फिर जाइएगा गोश्त मंगवाया जो रात को इनका खाना बनना है बच्चों का सामान भी मंगवाया है सब्ज़ी मंगवाई है और बच्चे कह रहे थे थोड़ा सा फ्रूट ला दे पापा तो इफ्तार केले और सेब लेके आए हैं और मिर्चें भी नहीं थी टमाटर भी नहीं थे वो भी लेके आए हैं टमाटर थोड़े आए हैं क्योंकि महंगे बहुत ज्यादा थे तो इसलिए मैंने कहा चलो आधा किलो ले लेते हैं बहुत महंगी है सलाद की वजह से क्या कर सकते हैं सब्जियां तो बहुत ज्यादा महंगी है प्याज भी बहुत ज्यादा महंगा है कि कुछ हाथ ही नहीं लगता चीजों को और आज बच्चों का नाश्ता भी बाजार से आया बच्चे कह रहे हैं हमने मामा पराठे नहीं खाने हमने नान चने खाने हैं पर इनके पापा हलीम लेके आए हैं ठीक है बच्चे अब करने लगे हैं नाश्ता आपने करना है तो हमारे साथ आ जाए नाश्ता करें प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आपके सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताइएगा हमारा चैनल कैसा जा रहा है जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।